चैनल अमेजिंग अपर्णा, दिस इज मी योर अपर्णा। और आज हम लोग कोलकाता में है डे थ्री, और आज हम लोग जाएंगे विक्टोरिया मेमोरियल और बेलूर मठ। तो हम लोग निकल चुके हैं, बेलूर मठ 11:30 बजे बंद हो जाता है, लेकिन अभी बज रहा है 10:15। तो देखते हैं जाके आज भी देख पाते हैं या फिर फर्स्ट डे के जैसा हम लोगों के साथ होता है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए क्या क्या होता है। और ये है हमारा ग्रुप बेलूर मठ में आने से। इधर से आप लोग आएंगे और इधर पे घुस एकदम पहले दुकान नहीं ऐसा है, और ऐसा टाइप का छोटा छोटा मूर्ति मिलता है, वो हाथ से बना हुआ होता है, हैंडक्राफ्ट है, ज़्यादा नहीं सिर्फ 10 रुपया करके। हाँ, पूरा सब 10 रुपया करके है इधर। सब नहीं मतलब सिर्फ ये चीज़ 10 रुपया करके है, वो सब अलग अलग का होगा, लेकिन ये सब अच्छा लगा, ये सब 10 रुपया करके है, ये सब वो सब का प्राइस नहीं पूछा, ये अच्छा लगा इसलिए इसी का प्राइस पूछा, और इसी में से कुछ खरीदेंगे। तो चलो खरीद लेते हैं उसके बाद। हम लोग आ चुके हैं और फाइनली हम लोगों को आज मतलब अंदर घुसने का मौका मिला, गेट खुला हुआ है। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे और देखेंगे अंदर कैसा मतलब टाइप का है। और इधर पे एक चीज़ क्या है, सब कुछ मतलब बहुत जगह लेके बनाया है, और देखने में भी अच्छा लगता है, पूरा पूरा क्लीन है, पूरा क्लीन मेरा ही है। आप लोग आने से विजिट करना, कभी भी आएगा पैसा नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे ही आ सकते हैं। शुभम का नाम बोलिएगा इधर आके। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं कैसा क्या है, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। इधर से हम लोग आए हैं और इधर पे ये है ना सुंदर जगह, और इधर पे एक जगह मतलब फ्लावर प्लांट बहुत है, इधर पे बहुत सुंदर लगता है देखने में फ्लावर प्लांट, सॉरी माय मिस्टेक। और ये है बेलूर मठ, और ये है मंदिर, मज़ा लग रहा है देखने में। ये मंदिर 11:30 बजे बंद हो जाते, तो सोचा पहले घुस के आती उसके बाद फोटो मारेंगे, ऐसे तो मार लिया बहुत सारा। A few moments later, हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके हैं और हम लोग ने अंदर आरती करते हुए देखा, और बहुत साइलेंट है अंदर, मतलब अच्छा लगता है, शांति पूरा शांति लग जाता है, मिल जाता तो और शांत हो जाता। हाँ, लेकिन इधर तो शायद प्रसाद नहीं देता है घर पे, मतलब भगवान को एक झलक देखना ही बहुत कुछ होता है ना, किसी किसी का तो किस्मत में भी नहीं होता है, तो हम लोगों का किस्मत में था, हम लोग देखा। और हाँ गाइस, अंदर में ना मोबाइल अलाउ नहीं होता है, अगर मोबाइल या फिर मोबाइल साइलेंट रखना पड़ता है या फिर स्विच ऑफ रखना पड़ता है, वीडियो तो एकदम ही नहीं होता है। और खुद का भी एक सेंस होना चाहिए ना कि अंदर जाके वीडियो मत करो, बहुत लोग देखा कि वीडियो कर रहा था, ऐसा करना नहीं चाहिए, अगर लिखा हुआ है कुछ कारण की वजह से ही लिखा हुआ है, नहीं तो नहीं लिखता ना, तो वही बात है, खुद का सेंस खुद के पास है। और हाँ गाइस, और एक बात बता दे रही, अगर आप लोग कभी कोलकाता आएंगे और बेलूर मठ देखने आएंगे तो आप लोग 11:30 बजे से पहले आइए, क्योंकि 11:30 बजे गेट बंद कर देता है, क्योंकि हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था, हम लोगों को पता नहीं था, फर्स्ट डे हम लोग आए थे, हम लोगों का गेट बंद हो चुका था क्योंकि 11:30 बज चुका था। तो आप लोग अगर कभी आएंगे तो 11:30 से पहले आइएगा, तो घुस सकेंगे और मतलब इसका देख भी सकते हैं कि अंदर कैसा क्या है, और अच्छा भी लगेगा। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, बस इतना ही। आप लोगों को अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा जगह है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो गाइस, हम लोग पहले दिन जैसा फेरी का टिकट काट चुके हैं, और फेरी का टिकट का प्राइस है पर पर्सन 11, और अभी हम लोग बोट के लिए रुकेंगे और उसके बाद जाएंगे, इधर से जाएंगे दक्षिणेश्वर, दक्षिणेश्वर से मेट्रो पकड़ेंगे, मेट्रो से डायरेक्ट जाएंगे विक्टोरिया मेमोरियल, और मेट्रो का प्राइस होगा पर पर्सन 20। तो चलिए विक्टोरिया मेमोरियल में जाके मिलते हैं, रास्ते में कुछ नहीं दिखाऊंगी, डायरेक्ट विक्टोरिया मेमोरियल में जाके ही दिखाऊंगी। हम लोग आए हैं इधर से, और कुछ ऐसा टाइप का नज़ारा है, बहुत ही सुंदर है, उधर पे भी है गार्डन,
हम लोग आ चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल में और अभी अंदर जाके देखेंगे क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या। और ये है विक्टोरिया का महल। अगर आप लोगों को विक्टोरिया के बारे में कुछ पता नहीं है तो एक बार गूगल कर लीजिएगा, आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि विक्टोरिया कौन था और कैसा था। और वही हम लोग आए हैं देखने और सब कुछ ही पता चल जाएगा आप लोगों को गूगल से, कैसा वो था, कैसा हिस्ट्री है, क्या है सब कुछ। तो एक बार गूगल कर लीजिएगा। अंदर जाएंगे, पता नहीं अंदर जाके वीडियो करने देगा कि नहीं, देखते हैं, फिर भी ट्राई करेंगे। अगर निषेध रहा तो नहीं उठाएंगे। चलिए अंदर जाके देखती हूँ। द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिकेंट मोन्यूमेंट्स ऑफ नॉट ओनली द सिटी ऑफ कलकत्ता बट ऑफ आवर एंटायर कंट्री। Representing the resplendent and majestic British architecture, Victoria Memorial Hall stands today as a veritable icon of the city of Kolkata. Located on 1 Queen's Way, the VMH Victoria Memorial Hall was envisaged by Lord Curzon, the Viceroy of British India, as a memorial to the deceased Queen Victoria. Hence, according to Curzon, this memorial should take form of a great marble hall, which was to be elected on the Calcutta Maidan to serve primarily as a monument to the Queen and secondarily as a National Gallery and Valhalla of the Indian Empire. तो या गाइज, हम विक्टोरिया के बारे में इतना था कि अगर आप लोगों को और भी जानना है तो फिर गूगल ज़रूर करिएगा, और भी ज़्यादा करके है, मैं इतना तक ही बताया। और हम लोग का कोलकाता का वीडियो इतना था कि अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हम लोग जाएंगे नेक्स्ट मंदारमुनी वो वाला वीडियो देखने के लिए। आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं दूसरा कोई वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।